दोस्तों, मैं SMTC इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों, आज हम UMT सपोर्ट टूल्स के द्वारा जितने भी जो जो हमारे पास फ्लैशिंग ड्राइवर्स होता है, अनलॉकिंग ड्राइवर होता है, उसको इंस्टॉल करने के लिए सीखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें और पूरे UMT सपोर्ट टूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, तो चलिए अब हम चलते हैं अपना लैपटॉप का डेस्कटॉप में, और मतलब स्क्रीन में, और हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, UMT सपोर्ट टूल्स, देखिए हमारे लैपटॉप में UMT डोंगल लगा हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, और ये UMT डोंगल जो चल रहा है वो हमारा UMT सपोर्ट टूल्स के द्वारा चलेगा। दोस्तों, तो UMT सपोर्ट टूल्स आपको कहाँ मिलेगा, तो गूगल से ये डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसका भी वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के बता देंगे कि गूगल से आपको UMT सपोर्ट टूल्स को कैसे डाउनलोड करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। तो अब दोस्तों, हम UMT सपोर्ट टूल्स को ओपन करते हैं और इसमें जो ज़रूरी ज़रूरी हमें सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करने के लिए सीखेंगे, जो हमें हर समय यूज़ होता है। UMT सपोर्ट टूल्स को ओपन करने के लिए हम राइट डबल क्लिक करेंगे। अब ये हमारा ऑन होना शुरू हो गया, ओपन हो रहा है। दोस्तों देखिए, हमारा UMT डोंगल में भी लाइट ब्लिंक कर रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, जब आप UMT सपोर्ट टूल्स को लेफ्ट डबल क्लिक करेंगे तो जो आपका ओपन होगा वो आपका इस प्रकार का दिखेगा। और यहाँ पे देखिए, आपका लिखा हुआ है अल्टीमेट मल्टी टूल सपोर्ट एरिया, ठीक है। तो ये हमारा UMT का सपोर्ट एरिया है। यहाँ से हम बहुत सारा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का काम करेंगे, डाउनलोड करने का काम करेंगे, जो हमें ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए हमें नॉर्मल, आज जो बात करेंगे दोस्तों वो इंस्टॉलर के बारे में बात करेंगे कि हम यहाँ से इंस्टॉलर से कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो हम अब यहाँ पे डबल राइट क्लिक करेंगे, और डबल राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों ये हमारा आ चुका है, जहाँ से हम जो ज़रूरी ज़रूरी टूल्स है उसको डाउनलोड पहले करते हैं, फिर बाद में इंस्टॉल करने के लिए भी सीखेंगे। तो जो ज़्यादा कॉलकम CPU, जिस फ़ोन में कॉलकम CPU लगा हुआ है, उस फ़ोन को ज़्यादातर अनलॉकिंग करने के लिए, फ्लैशिंग करने के लिए हमें UMT, देखिए यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है UMT V2, UMT Pro, QC Fire वर्जन 8.0, और दोस्तों इससे और लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, तो क्या आ चुका है, 8.1 सेटअप, ठीक है। तो अभी जब भी आप इंस्टॉल करो तो लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करो। तो हम अभी QC Fire जो डाउनलोड करेंगे वो QC Fire 8.1 वर्जन, क्योंकि सबसे लेटेस्ट अभी यही है, और इससे लेटेस्ट नहीं आया, जब लेटेस्ट आएगा तो उसके बारे में भी हम वीडियो बना देंगे। तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, और जब यहाँ पे आ गया दोस्तों तो इस पर ओके करना है। ओके करने के बाद अभी यहाँ क्या बता रहा है, स्टेटस में पेंडिंग, ये डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो डाउनलोड करने के दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, क्या है, स्टार्ट पे हम क्लिक करेंगे। जब हम स्टार्ट पे क्लिक किए तो देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। इसमें इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, देखिए दोस्तों ये हमारा डाउनलोड पूरा कंप्लीटेड होगा, उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो फिर चलते हैं, और कुछ हमको ड्राइवर चाहिए और कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, तो फिर से हम जाते हैं सपोर्ट में, और QC Fire को अभी हम डाउनलोड में लगा चुके हैं। अब हम लगाते हैं, जैसे कि देखिए दोस्तों, हमें यूज होता है GSM, कुछ सैमसंग का फ़ोनों के लिए वगैरह के लिए ये भी टूल्स हमें यूज होता है। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसको ओके करेंगे, और ये भी दोस्तों, ये जब हमारा कंप्लीट डाउनलोड होगा तो ये भी डाउनलोड में लग जाएगा। उसके बाद और भी टूल्स ज़रूरत होता है, जो इम्पोर्टेंट है, 2, 4, 5, 6 हम सब इंस्टॉल करके, डाउनलोड और इंस्टॉल करके आपको दिखाने वाले हैं। सारा एक वीडियो में डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हमें एक GSM का ज़रूरत था, तो उसे ले लिए, और QC Fire ले लिए दोस्तों। उसके बाद में हम ले लेते हैं, देखिए दोस्तों ये भी हमें बहुत यूज़ होता है, अल्टीमेट FRP, तो इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में अल्टीमेट FRP हो गया, फिर से हम नीचे जाते हैं, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मीडिया टेक जिसमें CPU लगा हुआ रहता है, मीडिया टेक CPU लगा रहता है, उसके लिए यहाँ पे अल्टीमेट MTK का 2 दिया हुआ है, तो एक 4.9 वर्जन है और एक 5. तो लेटेस्ट 5.5 हुआ तो हम इसको डाउनलोड करेंगे।
तो चलिए हमारा 1, 2, 3, 4 डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। और भी हमें ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों, तो देखिए दोस्तों सैमसंग का फ़ोनों के लिए हमें ये ड्राइवर को डाउनलोड करना है, फिर इंस्टॉल करना है। तो इसमें भी दो टो है, एक वर्जन 0.3 है, एक वर्जन 0.4 है। तो लेटेस्ट हमारा ये है, हम लेटेस्ट को डाउनलोड करते हैं। तो कुछ जो सॉफ्टवेयर है उसे हम डाउनलोड कर रहे हैं दोस्तों, कुछ फ्लैशिंग ड्राइवर अनलॉकिंग ड्राइवर है उसको डाउनलोड में लगा चुके हैं। अब इसको स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करने के लिए बताते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो QC फायर है ये मेरा 100% हो चुका है, अब इसको इंस्टॉल हम कर सकते हैं, ये सब को इंस्टॉल नहीं कर सकते, ये अभी 100% हो चुका है। अब ये डाउनलोड हुआ तो ये गया कहाँ, ठीक है, उस चीज़ों को जानने के लिए हमारा UMT डोंगल में ही इसमें दिया है लोकेशन। लोकेशन मतलब क्या होता है जी, चेक करना कहाँ गया, ये डाउनलोड हुआ वो आखिर गया तो गया कहाँ, है ना। तो उस चीज़ों को जानने के लिए हम लोकेशन पे जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो हमें यहाँ ले आता है और यहाँ पे आपको दिख रहा है UMT QC फायर। देखिए दोस्तों बहुत सारा, अब ये हम एक बार डाउनलोड किए थे इसलिए यहाँ पे इस तरह दिख रहा है, आपको ये नहीं रहेगा, इसको हम डिलीट करते हैं। आप जब डाउनलोड कीजिएगा ना तो आपको ऐसे ये दिखेगा, ठीक है। ये जिप फाइल में, कौन सा फाइल में है, जीप फाइल में। अब इसको हमें इंस्टॉल करने के लिए एग्जिस्ट हेयर करके फोल्डर फाइल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो एग्जिस्ट हेयर करने के लिए राइट क्लिक करेंगे दोस्तों, राइट क्लिक करने के बाद एग्जिस्ट हेयर पे क्लिक करेंगे। एग्जिस्ट हेयर पे जब हम क्लिक किए तो देखिए ये क्या बन गया, फोल्डर फाइल में बन गया। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों यहाँ देखिए कहीं पर हमारा जो डेस्कटॉप है उसमें आपको कहीं पर QC फायर का फोल्डर दिख रहा है क्या, दिख रहा है जी, नहीं ना दिख रहा है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो QC फायर है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। जब इंस्टॉल करेंगे तो QC फायर का यहाँ पे हमारा कहीं एक आइकन सा जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों इसमें हम डबल क्लिक करेंगे, लेफ्ट डबल क्लिक करने के बाद ये अभी रन हो रहा है दोस्तों, खुल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें करना है एस करेंगे, एस करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आने वाला है। देखिए दोस्तों ये आपका खुल जाएगा, जब आप एस करेंगे तो ये खुल जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ आई एक्सेप्टेड द एग्रीमेंट, दोस्तों हम यहाँ पे इसका बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको पूरा पढ़ सकते हैं। और टर्म एंड कंडीशन को ये एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है, जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हमें आगे ये सेटअप नहीं होगा। तो हम यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, मतलब इसका जितना भी रूल है उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट करने के बाद फिर से करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, फिर से करेंगे नेक्स्ट। और यहाँ दिया है दोस्तों इंस्टॉल, तो फिर करेंगे हम इंस्टॉल। अब दोस्तों ये हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है और थोड़ा सा समय लेगा इंस्टॉल होने में, तब तक हम लोग इंतज़ार करते हैं, इंस्टॉल होने दीजिए। और जैसे इंस्टॉल होगा दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे हमारा QC फायर का एक आइकन सा जाएगा, ठीक है गुड्डू, ध्यान है कि नहीं, एकदम डेस्कटॉप पे, चलिए ठीक है। और दोस्तों ध्यान रहे, एक चीज़ बताना भूल गए कि जब भी आप ये, हाँ आप यहाँ पे कर रहे हैं ओके दोस्तों, जब भी आप ये सब देखिए दोस्तों जैसे हम यहाँ पे ओके किए यहाँ पे क्या आ गया, इधर दिखाइए जी, हाँ यहाँ और आइकन इधर यहाँ दिखाइए, हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा QC फायर का QC फायर का जो हमारा फ्लैशिंग ड्राइवर है अनलॉकिंग ड्राइवर है वो QC फायर का यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे देखिए दिया हुआ आई एग्री करेंगे और इसको करेंगे इंस्टॉल, ठीक है, और इसको करेंगे कैंसिल। अब हमारा क्या हो गया, QC फायर इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड, फिनिश हो चुका है। दोस्तों अभी जो हम डाउनलोड किए हैं यहाँ पे इस ये सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम